शामे फिराक अब ना पूछ, आई और आके टल गई। शामे फिराक अब ना पूछ, आई और आके टल गई। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो थोड़ा अलग होने वाला है। तो जो आप लोग चावल यानी कि राइस खाते हो घर में बैठ के, क्या आपको अंदाज़ा भी है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या प्रोसेस है उसके पीछे, क्या क्या स्टेप होता है उसको ग्रो करने में, उसको उगाने में? तो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। बस इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाली है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या उसके बीच में होता है, उसके पीछे कितनी मेहनत है, मतलब बहुत मेहनत है उसके पीछे। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कितनी मेहनत है कितनी नहीं उसके पीछे। तो बस इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, तो यहाँ पर पहला स्टेप आता है धान को खेतों में बोने का, और बीज बोने के बाद 20 से 25 दिन जाता है बीज को उग कर बड़ा होने में। तो आज है 25वां दिन और आज बीज बिल्कुल रेडी है खेतों में से उखाड़ने के लिए। तो अभी जो फिलहाल आप खेतों में देख रहे हैं ये सब बीज जो था वो उखाड़ रहे हैं सब लोग। अभी फिलहाल सब लोग खाना खाने गए हैं एंड थोड़ा सा बचा हुआ ये बीज उखड़ गया। और उधर दिखा दो, ये जो आप गोनी देख रहे हैं ये बोरा वगैरह, इसमें पूरा बीज उगाड़ उगाड़ के रखे हुए हैं। उसके बाद इसको लेके जाया जाएगा खेतों में, उसके बाद बैठाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे खेतों में, चलो। और बीज उखड़ जाने के बाद उसको ट्रैक्टर में रख के खेतों में लेकर जाया जाता है। प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे कैसे क्या होता है? बिया वहाँ बैठाते हैं पहले धान? नहीं, बिया उखाड़ते हैं। वहाँ बिया उखाड़ के उसका कहाँ लेके आते हैं? खेतों में? खेत में ला के बैठाते हैं। खेत में ला के उसके बाद बैठाते? नहीं बैठाते, कहाँ, पहले लेवा करते हैं। वो लेवा तो पहले हो जाता है, तब बिया खेत में पड़ता बैठ। हाँ, बैठता है, लेवा करते हैं उसके बाद बैठाते हैं, यही प्रोसेस। और फिर खेतों में लेवा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से खेतों में बीज को फेंका जाता है इधर, उसके बाद इसको बैठाया जाता है इसमें, उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने बाद ये उग जाता है। ये है इसका प्रोसेस। और फिर क्या, धान की बैठाई हर जगह शुरू रहती है। खेतों में कितने दिन बाद वो उग जाता है धान? हाँ, बस 3 महीने। 3 महीने में उग जाता है, उसके बाद काटने लायक हो जाता है। हाँ, 3 महीने कट के उसके बाद खाते हैं। तो यही प्रोसेस है धान और गेहूँ, धान का। तो कुछ इस तरीके से होती है धान की बैठाई, समझे भैया? तो फिलहाल आप लोगों ने देखा कुछ इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा एक्सप्लोर किया कैसे कैसे इसको पहले बोया जाता है बीज को, उसके बाद वहाँ से उखाड़ के खेतों में लाया जाता है, उसके लेवा होता है,
और खाद वगैरह डलता है, उसके बाद इसको बैठाते हैं। ये सब प्रोसेस था और यहाँ पे बैठ चुका है, देख सकते हो, मैं दिखा दूँ, बहुत थक गया वैसे, पूरा बैठ चुका है। और अब फिलहाल हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय। बारिश देख रहे हो, मोबाइल भीग जाएगा भाई।